हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत पांडे और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जो कॉलर ट्यून होता है उसमें जो बैकग्राउंड होता है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। रेडमी और सैमसंग में जैसे होता है कॉलर ट्यून और बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एंड्रॉयड डिवाइस में ये सेटिंग नहीं होती। ये सेटिंग लाने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आप अगर देना चाहते हैं अपने कॉलर ट्यून के बैकग्राउंड इमेज को, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जरा सा भी स्किप किया तो फ्रेंड्स आपको पता नहीं चल पाएगा कैसे आप अपने बैकग्राउंड इमेज को दे सकते हैं, अपने कॉलर ट्यून के बैकग्राउंड इमेज को दे सकते हैं। अगर जानना चाहते हो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए एक छोटा सा इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अगर देना चाहते हैं अपने कॉलर ट्यून के बैकग्राउंड इमेज को तो मैं जैसे बताता हूँ बिल्कुल वैसे करना। अगर आपके मोबाइल में कोई भी सेटिंग नहीं है तो पहले अपने मोबाइल का डाटा ऑन करके कोई भी नेट कनेक्शन करके प्ले स्टोर में चले जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सर्च करना चेंज कॉलर स्क्रीन बैकग्राउंड। चेंज कॉलर स्क्रीन बैकग्राउंड पर सर्च करने के बाद यहाँ पर नीचे आएगा फोटो कॉलर स्क्रीन, ये दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स फोटो कॉलर स्क्रीन। इसे आप इंस्टॉल कर देना, मेरा पहले से इंस्टॉल है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर देना है फ्रेंड्स। मैं देखो ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद ऐसे कुछ आपको परमिशन मांगेगा, आप परमिशन दे देना। जो जो भी परमिशन मांगेगा आपको परमिशन दे देना है। परमिशन मांग रहा है, मैं दे रहा हूँ परमिशन। जो अलाउ करने को बोलेगा अलाउ कर देना है। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके डाउन कर देना है। एग्री पर क्लिक करने के डाउन करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है, इसे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर लिखा सेट डिफ़ॉल्ट फोन ऐप, यहाँ पर आप चेंज बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देना है। चेंज बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने पर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा रहे कॉन्टैक्ट लिखा, डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट कर देना है। डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे इमेज आ जाता है, आप इसमें भी दे सकते हैं। अगर कोई आप गैलरी में जाना चाहते हैं गैलरी से इमेज भी दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ, मैं देखो इसमें से एक दे रहा हूँ, ये वाली इमेज को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब ये वॉलपेपर सेट हो चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ पर थीम भी है, आप जो जो भी थीम देना चाहते हैं इसे थीम दे सकते हैं। मैं ये वाला अप्लाई थीम करना है। अप्लाई थीम करने के बाद देखिए कैसा मेरा स्क्रीन आता है, पहले आपको दिखा देता हूँ। मैं मेरे दूसरे मोबाइल से कॉल करता हूँ उसे। देखिए फ्रेंड्स मेरा आ गया। ऐसे आप कर सकते हैं अपने, देखिए मैं इसे अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना, छोटा सा हेल्प कर देना फ्रेंड्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स।